गंगानगर स्थित IIMT लाइफलाइन अस्पताल में वार्ड बॉय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक सुमित एक साल से अस्पताल में काम कर रहा था। रात 8 से 8 तक की ड्यूटी के बाद मृतक सुमित जब घर पहुंचा तो हाथ में कैंडुला लगा होने पर परिजनों ने पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद वह घर पर ही टॉयलेट में गिर गया। जिसके बाद परिजन सुमित को IIMT अस्पताल लेकर पहुंचे। आरोप है कि एक घंटे तक कोई इलाज नहीं मिल पाने के कारण सुमित ने दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों ने हंगामा करते हुए लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल प्रबंधक का कहना है कि सुमित को रात में ड्यूटी के वक्त पेट में दर्द हुआ था, उस समय इंजेक्शन देने के लिए साथी कर्मचारी ने हाथ में कैंडुला लगाया था। प्राइम स्टोरी के लिए मेरठ से सुरेश दहिया की रिपोर्ट। हमने तो टाइम टी में चले लेकर काम करता है, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। हमारे घर पे कोई नहीं था, मैन मैन थे, हम एकदम चले जाकर चले तो उन्होंने ऐसे निकाले, कुछ नहीं करा। बस हम उतर बुला उतर बुला ब्लड देखो, कुछ नहीं देखा, बिल्कुल नहीं। मरीज है, मरीजों की देखभाल कर रही थी। अच्छा, रात में क्या नाम है, जब गया तो बिल्कुल ठीक ठाक गया था। यहाँ से उसको कोई परेशानी नहीं थी, ना बुखार ना खांसी ना जुकाम, कुछ नहीं उसको लड़के, कोई परेशानी नहीं थी। वो जब वहाँ से गया है सुबह वो आया लोग के सुबह 7:30 बजे वो वहाँ से छुट्टी होती है, वो 8:30 बजे यहाँ पे आ गया है। कहने लगा मैं फ्रेश हो रहा हूँ, फ्रेश होने के लिए तो चला गया। इसकी बहन ने उस पर रुमाल बांधा हुआ था, उसको ड्रिप लगाई है तो उस पर रुमाल बांधा था। लड़की ने पूछा कि भैया ये क्या हो गया, नो कुछ नहीं, वो ऐसे कह के ऊपर को मतलब चला गया फ्रेश होने के लिए। वो जैसे फ्रेश होकर निकला वो पीछे को ही गिर गया। इतने में ही यहाँ मोहल्ले में मतलब जो सब लोग पूछेंगे तो नहीं से बाइक लेके तो उस लड़के को बैठा के IIMT ही लेके गए थे कि जब वो वहाँ पर काम करता है तो अच्छे से मतलब देखभाल हो जाएगी। वहाँ ले जाने के बाद में उन लोगों ने उस लड़के को कुछ नहीं देखा, खाली आईसीयू में ले जाके उसको लिटा दिया। उसके बाद में परिजन आधे घंटे बाद मैं पहुंची वहाँ पे, तो मैंने डॉक्टरों से और नर्स से वगैरह बात हुई मेरी, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। मैं कहली कम से कम इसको देखो तो एक बार चेकअप तो करो इसका, देखो इतनी देर से लिटा रखा उसको, तो कहने लगे इसमें कुछ भी नहीं बचा है। फिर मैंने उससे पूछा मैं कि इसको क्या परेशानी क्या बनी थी, रात जी इसको उल्टियाँ लग गई थी, इसलिए ड्रिप लगाई गई थी।